और अब शाहपुरा के कोटड़ी से बड़ी खबर, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। शाहपुरा जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कांवट ने आमजन से अपील की है, आमजन से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। सच बेधड़क ने चैनपुरा पुलिया पर चल रहा था 3 फीट पानी और उसके शीर्षक से खबर चलाई गई थी। खबर चलने के बाद चैनपुरा पुलिया पर पारोली पुलिस का जाब्ता लगा, पुलिया पर जेसीबी डंपर लगाकर रास्ता बंद किया गया है। पुलिया की दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। तो आमजन से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है और निश्चित तौर पर क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में तमाम जो जल स्रोत हैं वो भर गए हैं, चादरें चल रही हैं, तो ऐसे में वहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए, इतनी जागरूकता रखनी चाहिए क्योंकि कई सारे हादसे इस बीच हो रहे हैं, ऐसे में ख्याल रखने की जरूरत है। और इसी के चलते प्रशासन ने सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से आमजन से अपील की गई है और पुलिया पर जेसीपी डंपर लगाकर रास्ते को भी बंद किया गया है, दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश पारीक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई, किस तरह से एक्शन में प्रशासन अब आया है? बिल्कुल मनीषा, ये जो कल अपने खबर चलाई थी पुलिया पर 3 फुट पानी बह रहा था, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कावट ने इस खबर को संज्ञान लेते हुए आमजन से अपील की थी। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जरा आप संभल के चले। और इसी को और आज चलते हुए जो पारोली पुलिया चैनपुरा पुलिया है, इस पर दोनों तरफ पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। आमजन से अपील की जा रही है कि अभी जो नदी नाले और राजस्थान के मौसम विभाग भी अलर्ट कर रखा है कि तेज बारिश और नदी नालों से दूर है, जिस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक ने अपील की है, लोगों से गुजारिश की है कि आमजन की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ जो नाकाबंदी की गई है, गार्ड लगाए गए हैं, जेसीबी व डंपर लगाकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। वही इसी को देखते हुए काचोला और पारोली पुलिस के दोनों तरफ जवान लगे हुए हैं और दोनों तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी नालों से दूर रहें। जी अनिता, चलिए शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है।